शौचालय दिया, हमने आवास दिया, हमने बहुत कुछ स्वास्थ्य सेवाएं दी। सपा कह रहा है कि चूंकि मैंने लैपटॉप दिया इसलिए 22 पे साइकिल आएगी, आपकी नौबत के लिए कैसे करूंगी? देखिए सब आदमी बोल रहे हमने दिए दिया वो दिया, तो कोई मेहरबानी तो नहीं कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि देश के सब जो भी मंत्री हो, विधायक हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सबका कर्तव्य है जनता का सेवा करना। ये मेरे को बताइए कि 2 करोड़ हर साल में युवा को रोजगार देने की बात हुआ था, नौकरी देने की बात हुआ, क्या 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है? क्या काला धन विदेश से भारत में आया है जो हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपए आएंगे? जो देखिए सरकार जो है लोगों को, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, और खास करके दिल्ली के सरकार, शौचालय देना, ये देना, ये सब चीजें तो देश के जनता का पैसे का, कोई आप मेहरबानी तो नहीं कर रहे हैं या कहीं अपने खजाना से नहीं दे रहे? तो ये कहीं ना कहीं आप सही नहीं है। सही नीति तो ये होगा कि बच्चे को ऐसा शिक्षा दीजिए तो पढ़ लिख कर बेचारा नौकरी करेगा और अपने पैर पे खड़ा होगा, अपने परिवार को चलाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। लोग को आप चावल बांट रहे हैं या नमक बांट रहे हैं तो उसमें भी लोगों को कह रहे हैं कि हम चावल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, हमारा नमक का अदा करो। तो ये सब कहीं ना कहीं ये सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हम लोग अपने हक अधिकार के लिए, गरीब समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा मानना है कि देश में 2 ही जाते हैं, एक अमीर और एक गरीब। और हम लोगों का हमेशा संघर्ष रहा कि गरीब के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। आज मुंबई में ऐशो आराम की जिंदगी में जी रहा था, उसको छोड़कर अपने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए आज काम कर रहे हैं। और देख ही रहे कि किस तरीके से जननायक नेता यहाँ पे हमारे प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह है, इस तरीके से वो तानाशाही के तरीके से इनका टिकट काट देना, जनता के बीच में और जो जहाँ पे चापलूसी करेंगे उनको टिकट देना, तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लोकतंत्र में खास करके जो लोग जनता के बीच में अच्छा काम करें उनको सरकार या पार्टी हर कोई उसको मदद करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तानाशाही चल रहा है। तो इसके लेके हम लोग आज मैदान में उतरे हैं अपने सम्मान के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए। पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के जनता हम लोगों को आशीर्वाद देंगे और सुरेंद्र सिंह जी को जीत कर भेजेंगे। लखनऊ में जाएंगे तो विधायक दल का नेता बनेंगे और उत्तर प्रदेश में मजबूती से मल्ला को साथ लेकर और जल छत्री और हमारे जन छत्री दोनों मिल जाएंगे और मैदान को निश्चित तौर पर 2027 का जो होगा वो वीआईपी पार्टी के अधीन में होगा। एक दो सवाल आपसे अहम करूंगा मुकेश जी। आप जिस तरह से बहुत सारी जितनी सरकारें अब तक आती गई हैं सबने गरीबी दूर करने की बात की है, गरीब को दूर, मतलब गरीबी तो दूर हुई नहीं, गरीब दूर होता चला गया। ये तो बात आप भी मान रहे ना, गरीब जवाब दे किनका? दिल्ली की सरकार का। जनता पर जनता भरोसा, किसी न किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे गरीब का बेटा आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। जैसे आज हमने आपको कहा कि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी जब खाद्य उपभोक्ता मंत्री थे तो कोरोना काल में देखे कि गरीब पिछड़ा दलित का बेटा भूखा सोए नहीं, इसलिए उन्होंने स्कीम निकाला और गरीब के घर पे चावल देने का, राशन देने का निर्णय लिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वो अपना योजना बता के गाँव गाँव में घूम कर अपना बता रहे, जबकि स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का ये देन है। तो गरीब का बेटा वहां पहुंचे इसलिए गरीब के लिए बात किया, गरीब का हक अधिकार देने की बात किया, गरीब को राशन देने की बात किया। तो कहीं ना कहीं ये जो अभी सरकार है काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन गरीब का जो किया हुआ काम को अपना नाम दे रहे हैं। सर आप किसी ऐतिहासिक धरती पर मौजूद है जहाँ से अंग्रेजों को भगाया गया, आपको क्या ऐसी खास बात मिली सुरेंद्र सिंह जी में जो आपने इनको चुना? बहुत सारे नेता आपके आगे होंगे। हमने जब देखा कि इंटरव्यू में कि इस तरीके से जन नेता और इनके पीछे हजारों हजार हुजूम आया तो हमने लगा कि नहीं, ये जरूर मीडिया में मजबूती से जनता का सेवा किए हैं, इनको सम्मान हम लोगों को देना चाहिए। जिस तरीके से हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाया उसी तरीके से हमने नाव चुनाव चिन्ह अपने लोगों को भेजा सुरेंद्र सिंह जी के घर पर, मजबूती से इनको हमने वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और मुझे पूरा भरोसा है कि नाव पे चढ़कर ये लखनऊ के तक पहुंचेंगे और यहाँ के क्षेत्र के जनता और उत्तर प्रदेश के जनता के लिए काम करेंगे। एक सवाल और है जो आप इस स्टेज से कहा है कि यूपी जिस तरह से बिहार में आप निर्णायक रहे हैं सत्ता बनाने में, सरकार बनाने में, अगर आपकी यहाँ पार्टी आती है कुछ ऐसा मौका मिलता है तो उसके अगुआ जैसे आपने स्टेज से कहा तो सुरेंद्र सिंह जी होंगे निश्चित तौर पे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, हमारे विधायक जी जीत के आएंगे और विधायक दल के नेता भी बनेंगे और सारे निर्णय उत्तर प्रदेश के लेंगे। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।